आत्मा नमस्ते डियर ऑल। द मून, द फुल मून, यस, बट द फुल मून इज नॉट विजिबल, इट इज बिहाइंड द क्लाउड्स। नेवरदलेस यू कैन स्टिल सी the light, the illumination. The sky has a lot of clouds, but still the sky is not dark. There is a lot of light. You can see a lot of things. You can see a lot of and recognize a lot of things without the light, because it is full moon. Aaj Guru Purnima hai. आत्मा नमस्ते सभी को इस गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन के दिन। हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, बट आज हम पूर्णिमा देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल है बॉम्बे में। पर आप अगर देखेंगे गौर से तो आपको पूर्णिमा नहीं दिख रही, पर लाइट है, बहुत ज़्यादा सुंदर लाइट है। बादलों के पीछे से उजाला दिख रहा है आपको, आपको अंधकार नहीं दिख रहा। तो यही सुंदरता है एक गुरु की। यही इस उपलक्ष्य पे मैं यही आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि भले मेरे गुरु मुझे दिख नहीं रहे, भले मेरे गुरु के शरण में हूँ नहीं मैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे गुरु मेरे पास नहीं है। मेरे गुरु मेरे सामने नहीं है। भले आपको ये लगे कि मैं गुरु जी के चरणों में नहीं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, आप उनके नज़दीक नहीं रह सकते शायद, बट ये कतई नहीं है कि गुरु आपके पास नहीं है। आज का ये सुंदर पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, इतना इतना सुंदर, इतना सहज, इतना दिव्य मैसेज दे रहा है कि भले ही हम गुरु को देख ना पाए, हमारी आंखों से गुरु हमसे दूर हो, हमारी आंखों से ओझल हो, हमारी आंखों के सामने ना हो, फिजिकल बॉडी में हम उनको देख ना पाए, पर फिर भी अगर वो हमारे गुरु हैं तो वो हमें 100% हमारे सामने है। हम उनको देख नहीं पाएंगे, परंतु वो तो हमें कंटिन्यूस हमारा ध्यान रखे हुए हैं। अगर बादल हो फिर भी, ना हो फिर भी, ये सुंदर मौके पे जो बहुत बड़ी बात हो गई है इस पूर्णिमा को, क्यों इतना स्पेशल है, बिकॉज एक्लिप्स भी है। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण भी है। तो इतनी सुंदर बात हो गई यहाँ पर कि हमारी जो पूर्णिमा है आज की, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो हम समझ लेते हैं जिनको गुरु, तो गुरु पूर्णिमा के बदले हम उनको बोल देते हैं हमारे गुरु। तो कौन है हमारे गुरु? हम जिस भी रिलीजन में जिस जो होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स या स्पिरिचुअल गुरु हो ही जाते हैं। अगर हम हिंदू हैं और हम राम भगवान के करीब हैं, कोई कृष्ण भगवान से नज़दीक है, कोई साईं के से ज़्यादा करीब है, तो हम दिल में जिनको भी प्रार्थना करते हैं, जिनको भी खुशी से कनेक्ट हो पाते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हो गए। तो सभी लोग हम बहुत दुखी होते हैं जब हमारी लाइफ में पैसा नहीं होता, शादी में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बीमारियां होती है कई सारी,
तो ऐसा हो जाता है कि हमारे और हमारे इष्ट देव के बीच में एक ग्रहण सा लग जाता है, पैसों की वजह से, बीमारी की वजह से, कोई भी वजह से, हमारे खुद की सोच की वजह से। तो गुरु क्या कहते हैं? हमें तो गुरु दिखाई नहीं देते। तो आज आपको गुरु, आपके पर्सनल गुरु, आपके इष्ट देव ये आपको बताना चाहते हैं कि कितने भी बादल हम दोनों के बीच में आए, कितने भी ग्रहण मुझ पे लग जाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इतनी ज्यादा बड़ी बात कर दी भगवान ने कि हम पता नहीं हम इसके लायक हैं कि नहीं, पर अगर भगवान ने बोल दिया है, हमारे इष्ट देव ने बोल दिया है, तो होंगे कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी आपदाएं आए, कितने भी ग्रहण लग जाए हमारे रिलेशनशिप में, हमारे इष्ट देव के साथ, हम कितना भी रूठ जाएं, पर वो हमसे कभी नहीं रूठेंगे, हमसे कभी नहीं, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इतनी सुंदर बात हो गई। इस मेडिटेशन को, इस ट्रांस मेडिटेशन को किया जाए, सो दैट आप कभी भी, जब भी ग्रहण सा महसूस करें अपनी लाइफ में, रूठा हुआ महसूस करें अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, कभी भी डिटैच्ड महसूस करें अपने इष्ट देवता से, तो आप ये मेडिटेशन रिप्ले करके, ये वीडियो रिप्ले करके उनके साथ एक हो जाएं। गुरु पूर्णिमा और ग्रहण दोनों चीजें साथ में हो गई, तो इस वजह से इतना ज्यादा मैसेज हम बोल सकते हैं, इतना ज्यादा एक नया ही मैसेज हमारे इष्ट देव ने हमें दिया कि कितने भी ग्रहण लगे हमारे रिलेशनशिप पे, आपके और आपकी इष्ट देव के बीच में, कितने भी ग्रहण हो, कितनी भी दूरियां हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, या कितने भी मन मोटाव हो, कितना भी रूठना मनाना हो, पर वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो हमें कभी भी दूर नहीं, हमसे दूर नहीं होंगे। हम कितने भी रूठ जाएं, पर वो हमसे कभी दूर नहीं होंगे। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल बात है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि आप समझ सकते हैं कि जब आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको बोले कि बेटा तुम कितना भी मुझे परेशान कर लो, पर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है हमारे इष्ट देव जब हमें ये कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये कई माध्यम से बोल सकते हैं, और उसमें से एक माध्यम ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही आने वाला एक ग्रहण है। तो ठीक है, मैं ट्रांस मेडिटेशन शुरू करती हूँ। यस, आप सभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम फील कर सकते हैं, बिकॉज़ एक तरफ जब पूर्णिमा होती है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर जो पानी का तत्व है, चंचल तत्व है, उसे हम इमोशंस कहते हैं। तो हमारे जो इमोशंस हैं, वो उछाल मारते हैं। जैसे पानी उछाल मारता है, वेव्स जो है हाई टाइड हो जाते हैं, समंदर की लहरें हाई टाइड होती हैं, उसी तरह से हमारे अंदर जो पानी तत्व है, इमोशंस बोलते हैं, चंचल तत्व है इमोशंस, वो भी बहुत ज़्यादा उफान मारते हैं। ये होती है बात पूर्णिमा की।
अब जब हमारी पूर्णिमा वो दिव्य पूर्णिमा है, वो गुरु पूर्णिमा है, तब ये पूरा जो हम इमोशनल टर्मोइल कहते हैं या इमोशनल हम इतने ज़्यादा अधीर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो गुरु जब होते हैं तो ये हमारी एनर्जी, ये हमारी इमोशंस, वो उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। गुरु का मतलब है जो हमें राह दिखाता है, जो हमें गुरु गाइड करता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स में से हमें गाइड करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई करता है। क्लोज योर आइज, आत्मा नमस्ते माय फैमिली, दिस इज गॉड्स लव हीलिंग चैनल, डॉक्टर शरिल डाबे। टुडे ऑन दिस डे ऑफ गुरु पूर्णिमा वी अलाउ आवर पर्सनल गुरु, आवर पर्सनल गॉड, आवर पर्सनल गुरुदेव, आवर पर्सनल एंजल, आवर पर्सनल असेंडेड मास्टर, आवर पर्सनल गाइड to take care of us, to love us, to bring us abundance in our life. We allow our guru, our spiritual parent, to take our energies and channelize this energy into the right direction. So close your eyes. And as you close your eyes, think of one or two issues that you want immediately to be resolved. आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे, आप एक या दो, मैक्सिमम दो इश्यूज जो है, प्रॉब्लम्स जो है, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान लेके जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत इजी हो जाए उसके ऊपर। जब आप तंत्र में होंगे, ट्रांस में होंगे, तो उसे उसी तरफ एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अब इंग्लिश में बात करूंगी। O great God Almighty, we love you, we respect you, we honor you. We are so truly blessed that you have blessed us with our Guru, my personal Guru. Thank you, thank you, thank you, my divine Paramatma, to give me my personal guru, to give me my personal angel, to give me my personal God, with whom I can share each and every moment of my life, with whom I feel comfortable, with whom I feel loved and taken care of. Oh my beloved, my dear Guru, Atma Namaste, I bow down myself, I am in total surrender, in total sharanagati, in complete surrender, complete sharanagati, I allow myself
my all energies, my all dimensions to be surrendered to you. I surrender all myself. I bow down to you. Oh my beloved Guru, you have always taken care of me. You have always loved me unconditionally. And I am so blessed to have you in my life. I am so humbled that you love me so much. Please forgive me for all the times that I have not understood you, or I have questioned your love for me. I allow you to work on my ego. I allow you to work on all my pent up emotions, my negative emotions. I allow you to work on all those strength that I feel that I am, that on all the strong energies or strong attitude that I feel that I am strong and I can do all the struggle in life. I allow you to work on all my struggles, all my negative attitudes or painful attitudes, so that you make me feel the way you always wanted me to be, your own child. I allow you to work on me, remove all my stresses, all my egos, all my pent up emotions, all my self doing attitude. And I allow you to work on me. Oh my divine Guru, my beloved Guru, I allow you to enter my heart and work on my heart chakra, on the root of the heart chakra. I allow you to enter each and every space, place in my life, in my energy, in all my dimensions, in all that I know I am and all that I don't know myself about. I allow you to enter, work and take care of me. Oh my beloved Guru, at this point of time in the physical body, I have this issue. Please name one of your issues. And I have this second issue. Please name the second issue. Oh my beloved Guru, at this point in time on my physical world, I have these two issues. I surrender my ego of winning this battle. I surrender my ego of struggle. Please channelize the energy. Please channelize my energy. Merge it with yours. And
आई अलाव यू टू वर्क ऑन बोथ दीज इश्यूज टू गिव मी हैप्पीनेस पीस माई बिलीवड गुरु. I love you to work on myself and make me happy. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love healing and the beloved Guru will continuously work on you for 24 hours to make you happy, to make you content, satisfied, complete, to give you all your happiness. Easily, effortlessly, rapidly, properly, permanently, to take care of you in the highest way possible. God's love, 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 God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. Oh, my beloved Guru, Atma Namaste. I promise you that I will try and not allow any grahan between you and me. I will not allow any clouds to come between you and me. I will try and not allow anybody else to come in between you and me. No ego, no emotions. I allow you to talk to me directly. I allow myself to listen to you. To hear each and every word, I allow myself to understand you. And the most importantly, oh my beloved Guru, I allow you to work on each and every problems that I have. I allow you to work on each and every sadness, each and every pain I have. Oh, my beloved Guru, I do not want to leave you even for a moment. So always stay with me. Stay in my heart 24/7 forever and ever. Guide me, take care of me, and I continuously, infinitely bow down to you, my beloved Guru. Atma Namaste. Atma Namaste. I am in total and complete Sharanagati. Atma Namaste. Atma Namaste. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Continuous infinite bow downs, my Guru. Thank you, thank you, thank you.